गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, देखो अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, क्लियर, और वो दोनों ट्रायंगल जो हैं सेम साइज़ के हैं और सेम शेप के हैं, तो वो दोनों हमारे ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंस होंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको इसमें टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल है आपका, फर्स्ट ट्रायंगल में आपको जो साइड दी हुई है, फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड है ए, वो सेकंड वाले ट्रायंगल की जो साइड है डी, उसके इक्वल है, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और फर्स्ट ट्रायंगल की जो बी साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की ई साइड के इक्वल है, और फर्स्ट ट्रायंगल की जो सी साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ़ के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, और इसमें जो फर्स्ट ट्रायंगल में जो आपको एंगल दिया हुआ है, एक्स एंगल दिया हुआ है, वो सेकंड ट्रायंगल के एस एंगल के इक्वल है, और जो फर्स्ट ट्रायंगल में आपको वाई एंगल दिया हुआ है वो सेकंड ट्रायंगल के टी ट्रायंगल के इक्वल है, और जो फर्स्ट ट्रायंगल में आपको जेड एंगल दिया हुआ है वो सेकंड ट्रायंगल में यू एंगल के इक्वल है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए। क्लियर, तो कॉन्ग्रेंसी के लिए सबसे मेन जो है वो है सेम शेप होना और सेम साइज होना। क्लियर, तो इसके बाद आगे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं आपको, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, कुछ रूल हैं आपके जो हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट रूल है वो है आपका SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल। सेकेंड है आपका SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। थर्ड है आपका एंगल ASA रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। एंड फोर्थ है आपका एंगल एंगल साइड AAS रूल। एंड द लास्ट है आपका हाइपोटेनियस लैग रूल। क्लियर, तो इनको अब आगे हम वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो था आपका वो क्या था? SSS रूल। जो फर्स्ट रूल है आपका वो क्या है कि इफ़ थ्री साइड ऑफ एन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बट मीन्स कि अगर आपकी वन ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका SSS रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको इस फिगर में दिया गया है कि आपको फर्स्ट ट्रायंगल की जो ए बी साइड है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई के इक्वल है, और फर्स्ट ट्रायंगल की जो बी सी साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड के इक्वल है, और जो फर्स्ट ट्रायंगल की हमारी AC साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XZ के इक्वल है। तो ये तीनों साइड जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं सेकंड ट्रायंगल की, तो ये SSS साइड साइड साइड्स रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। क्लियर, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाला जो रूल है वो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। इसमें क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मीन्स अगर आपको टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रायंगल की जो हमारी एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड ट्रायंगल्स की भी हमारी जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी 2 सेंटीमीटर है, और फर्स्ट ट्रायंगल में जो सेकंड साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और सेकंड ट्रायंगल में कि जो उसी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और जो उन दोनों साइड से जो इंक्लूड एंगल है वो भी फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल है उन दोनों साइड से इंक्लूड वो इक्वल है सेकंड वाले ट्रायंगल में, दोनों साइड के जो इंक्लूड एंगल है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। क्लियर, इसमें हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। कौन सा पैटर्न? जैसे ये SAS, यानी कि पहले साइड, देन फिर एंगल, और देन फिर साइड। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान रखना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो इसमें दिया साइड एंगल साइड, तो पहले हम साइड इक्वल करेंगे, फिर एंगल इक्वल देखेंगे, फिर देन लास्ट साइड इक्वल देखेंगे। ठीक है, तो ये SAS रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। थर्ड जो रूल था हमारा, थर्ड रूल है हमारा
ASA यानी कि एंगल साइज एंगल, इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइज ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स वन एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मीन्स आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC और एक सेकेंड ट्रायंगल दिया हुआ है आपको XYZ। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल है सेकेंड वाले ट्रायंगल में वाई एंगल की, और फर्स्ट ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो इक्वल है सेकेंड वाले ट्रायंगल में जेड एंगल के इक्वल है, और जो उन दोनों साइड की जो उन दोनों एंगल की जो इंक्लूडेड साइड है वो भी हमारी इक्वल है। फर्स्ट वाले में बी सी साइड उसकी सेकेंड वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग वाई साइड के वाई जेड साइड के इक्वल है। तो हमने इसे पहले एक एंगल दिखाया, देन फिर साइड इक्वल है, देन फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये जो दोनों ट्रायंगल है ABC और XYZ ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर। इसके बाद जो है आपका वो है एंगल एंगल साइड में क्या है, इसमें देखो इफ़ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स सबसे पहले हम एक एंगल दिखाएंगे, मैंने कहा ना कि इस पैटर्न को फॉलो करना है एंगल एंगल साइड, तो पहले एंगल फिर एंगल और फिर साइड। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एंगल ए सेकंड वाले ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल है, फिर फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो एंगल सी है वो सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल एफ के इक्वल है, और बाद में जो साइड है, साइड देखो बी सी जो साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की ई एफ साइड के इक्वल है। तो पहले हमने एंगल दिखाया, फिर एक एंगल दूसरा एंगल इक्वल दिखाया, और फिर देन लास्ट में हमने साइड इक्वल दिखाई। तो एंगल एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर। तो इसके बाद जो लास्ट आता है आपका, वो लास्ट जो रूल है वो है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, उसमें क्या है, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ द हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मीन्स आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, एक है ABC और सेकंड है XYZ। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है AC वो सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल के XZ हाइपोटेनियस के इक्वल है, दोनों 10-10 दिए हुए हैं आपको। उसके बाद जो जो अदर साइड है AB परपेंडिकुलर वाली साइड जो है AB फर्स्ट ट्रायंगल की वो सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल के XY साइड के इक्वल है, और जो रिमेनिंग जो थर्ड साइड है वो भी इक्वल होगी। क्लियर। तो ये तीनों साइड्स हमने इक्वल दिखा दी इसमें। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये RHS रूल से ये दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर। तो आपको ये सारे रूल क्लियर होंगे, कौन कौन से, SSS SAS ASA AAS। नाउ आई विल कम्स अगेन विद न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।